हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कामिया मोटर्स द्वारा बेची गई 1500 गाड़ियों में से 120 की चेसिस नंबर हमारे डेटाबेस से मैच करती है। इन गाड़ियों में से एक भी गाड़ी ऐसी है जो आपको सस्पिशियस लगती है? सर, इनमें से एक गाड़ी सुरेश कालरा के नाम से है, जिसे हमारी कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। सुरेश कालरा, Happy birthday to you, happy birthday dear doctor, happy birthday to you. अरे happy birthday डॉक्टर साहब। अरे जन्मदिन मना रहे हो आप तो धूमधाम पे हैं। मैं भी गिफ्ट ले आया हूँ आप खातिर एक। यो देखो, बढ़िया है ना? यो लगाओ, एकदम हैंडसम बुआ है। रो डॉक्टर साहब का दूसरा गिफ्ट ले आओ। अरे जल्दी करो भाई। अरे डॉक्टर साहब बर्थडे मना रहे हो। डॉक्टर साहब या काली पट्टी आपकी आंखें बांध देंगे, आप जादूगर बन जाओगे, फिर आपका कबूतर उड़ा देंगे। सर, ये सुरेश कालरा और उसका छोटा भाई अमित कालरा करीब 1.5 साल पहले हेलो कैब्स की गाड़ियां चलाते थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें निकाल दिया था। निकालने की वजह? हमने हेड ऑफिस से डिटेल्स मंगवाई हैं, जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम आपको अपडेट करते हैं। अमित और सुरेश के नंबर और एड्रेस होंगे आपके पास? जी सर। हाँ राम राम, और 2000 के बंडल तैयार हो गए? देखिए पैसों का इंतजाम हो गया है, आप बस बताइए कब और कहाँ लाना है। टाइम बुरा होता है ना, ऊँट पे बैठे ना कुत्ता काट लेता है। माफ कीजिएगा मैं समझा नहीं। गणा दिमाग ना खर्च करे, पैसे कद और कहाँ देने हैं। मैं आप बस बताइए आपको कब और कहाँ चाहिए। लेकिन बस आप डॉक्टर श्रीधर को कुछ मत कीजिए और उनको छोड़ दीजिए प्लीज। ना, पहले पैसे, उसके 4-5 घंटे बाद डॉक्टर पहुँचा दूंगा थारे पास। 4-5 घंटे बाद क्यों? 5 करोड़ है डार्लिंग, गिनने में टाइम तो जाओगा। पैसे कहाँ लाने हैं? गणी जल्दी ना मचाओ, अगले फोन पर बताऊंगा। सर अमित और सुरेश दोनों का नंबर बंद है, मैंने दोनों नंबर सर्वेलेंस पे डलवा दिया है। दोनों का नेटिव एड्रेस हिसार है, अब वहीं चलकर उनकी कोई खबर पता चलेगी। बोलो यादव। सर सुरेश ने अभी अभी भास्कर सबरवाल को हिसार से फोन किया था। सर अमित और सुरेश का गांव बनभोरी भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। शर्मा ये मैसेज हरियाणा के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो और अपनी एक टीम हिसार के आसपास के एरिया में भेजो, और तुम खुद श्याम सुंदर के गांव बनभोरी जाकर के जानकारी हासिल करो। सर सुरेश कालरा और अमित कालरा अब कहां हो सकते हैं, इसका क्लू ढूंढने के लिए पुलिस अब उनके गांव बनभोरी हिसार पहुंची। ना मतलब उन दोनों का सपूत नहीं, कपूत है दोनों भी, बुढ़ापे में अपनी मां को छोड़ के चले गए। ये अमित और सुरेश दोनों नोएडा में हेलो कैब चलाते हैं, कहां रहते हैं नोएडा में दोनों? सर वो शायद वैशाली में रह रहे थे। वैशाली में कहाँ? सुरेश और अमित से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए नोएडा पुलिस ने एक टीम उनके गांव भनभोरी में तैनात कर दी थी, वहीं एक टीम वैशाली गाजियाबाद में उस पते पर पहुंची जहां अमित और सुरेश किराए पर रह रहे थे। जरा सुनिए। जी ये घर सुरेश और अमित का है? जी हाँ, पर यहाँ तो काफी दिनों से ताला लगा है। तो फिर ये दोनों अब कहाँ मिलेंगे? जी मालूम नहीं। कहीं भी किसी तरह की कोई ढील नहीं होनी चाहिए, मुझे अपडेट करते रहना। सर सर ये डॉक्टर श्रीधर के अंकल हैं। सर सर श्रीधर मिल जाएगा ना? सर मैं उनको घर वालों को प्रॉमिस देकर आया हूँ कि मैंने उनको साथ लेकर ही आऊँगा। आप चिंता मत कीजिए, हम डॉक्टर श्रीधर को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाई मुझे मामला ठीक ना लग रहा है, यहाँ रुकना खतरे से खाली ना है। 10 मिनट में अपना अपना सामान समेट और निकलो यहाँ से, और जल्दी करो। बोलो शर्मा।
सर, हेड ऑफिस के इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने काफी हेरा फेरी और उल्टे सीधे काम किए थे। कैसी हेरा फेरी करते थे दोनों? सर, हमें एक लेडी कस्टमर ने कंप्लेंट की थी कि सुरेश ने उनके साथ मिसबिहेव किया था। उतरो मैडम, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अरे, मुझे और आगे उतरना है। सॉरी मैडम, मैं नहीं जा सकता आगे। आप मुझे इस तरह से बीच रास्ते में कैसे उतार सकते हैं? अरे मैडम, आगे जाम नहीं दिखता। This is no way. बकवास बंद करो और आगे चलो। अंग्रेजी ना काटे, ठीक है? उतरा एक तारू। आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं कंप्लेंट करूंगी ना, तब समझ में आ जाएगा। हाँ, चल कर दिया कंप्लेंट, उतर। सर, उस पैसेंजर की कंप्लेंट के बाद हमने सुरेश से शो कॉज मांगा, बट उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद जब उसके खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी हुई तो पता चला उसके और उसके भाई ने काफी धांधलियां की थी। कैसी धांधलियां? सर, कंपनी पीक आवर्स में इंसेंटिव देती थी, सुबह 7:30 से लेकर 12:30 बजे तक और शाम में 5 बजे से लेकर 11 बजे तक। और अगर ड्राइवर एयरपोर्ट से सवारी को पिकअप करता है तो उसे 1,000 रुपये बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा अगर ड्राइवर एक दिन में 12 राउंड्स लगाता है तो उसे 3,000 बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन इन दोनों भाइयों ने कंपनी की इस पॉलिसीज का गलत इस्तेमाल किया। अलग अलग सिम कार्ड से अलग अलग आईडीज बनाई और इन आईडीज से अपनी ही बुकिंग करने लगे और बिना किसी पैसेंजर को बिठाए रैंडम राइड शो करने लगे। और सर, इन सब चीज़ों से हमें पता चला उन्होंने पैसों की बहुत सारी धांधलेबाजी की थी, इसीलिए हमने उन्हें कंपनी से निकाल दिया और ब्लैकलिस्ट कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं अमित और सुरेश ने यह किडनैपिंग हेलो कैब से बदला लेने के लिए की हो? सुरेश कालरा और अमित कालरा, ये उन 6 किडनैपर्स में से 2 नाम थे जिन्होंने हेलो कैब से अपना बदला लेने के लिए 12 अगस्त की रात को उनके किसी एक कस्टमर को किडनैप करने की प्लानिंग की थी और फिर उस प्लानिंग को अंजाम तक भी पहुंचा दिया। हेलो सर जी, हेलो कैब बुक की थी आपने? कर दूंगी, सारा लुकाई समझ रखा है। प्लीज मेरा मदद करिए, ही सिटिंग में, प्लीज मदद करिए। और इस कस्टमर डॉक्टर श्रीधर की जान बख्शने के लिए उन्होंने हेलो कैब से 5 करोड़ की फिरौती की मांग की। इन अपराधियों की पहचान सामने आने के बाद पुलिस अब इन किडनैपर्स तक पहुंचने का और डॉक्टर श्रीधर को सही सलामत बचाने का रोड मैप तैयार करने में जुट गई। सर, ये सुरेश और अमित जिस घर में रहा करते थे वहां से अमित के दूसरे नंबर के बारे में पता चला। मैंने वो नंबर चेक किया, वो नंबर उन जगहों पे एक्टिव था जहां से श्रीधर के फोन से कॉल आए थे। आई एम डॉक्टर श्रीधर बावले, नाम में क्या रखा है? इट्स अ मिस्टेक, तुम लोगों ने गलती की। वाटर, पानी, प्लीज। क्या वो नंबर अभी भी एक्टिव है? सर, 5 घंटे पहले तक वो नंबर हिसार में एक्टिव था, फिर वो नंबर बंद हो गया। मैंने उस नंबर को सर्वेलेंस पर डलवा दिया है। सर, एक बात और पता चली, ये सुरेश शादीशुदा है, बीबी का मायका है रोहतक में। ये अमित का नया नंबर सर्वेलेंस पर डालो, तब तक हम सुरेश की बीवी से मिलते हैं। जी सर। साहब, इन हेलो कैब्स वालों ने ना म्हारी और सुरेश की हस्ती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। ऐसे ही अमित और सुरेश को काम से निकाल दिया, म्हारे तो खाने के भी लाले पड़ गए साहब जी। ऐसे नहीं निकाल दिया, सुरेश और पति ने हेलो कैब्स में गबन किया। ये गबन मबन मुझे कुछ नहीं पता साहब जी, और गबन तो हेलो कैब्स वाले करते हैं, ड्राइवरों का खून चूसते हैं और खुद घर बैठ के खाते हैं। तुम्हारे पति और देवर ने एक मासूम डॉक्टर का अपहरण किया है, और जिस तरह से तुम उन दोनों की बहादुरी का बखान कर रही हो, हमें तो लग रहा है कि तुम भी उन्हीं के साथ मिली हुई हो। मैं कोई मिली विली नहीं हूँ साहब, और गलत तो ये हेलो कैब्स वाले भी हैं। किडनैपिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। और ये सुरेश और अमित कहाँ होंगे ये भी नहीं पता? पता नहीं साहब। सर, इसका तेवर देख के तो लगता है इसे सब पता है। इसका फोन भी सर्वेलेंस पे डालो, हो सकता है ये उनके टच में हो। सर। बोलो त्रिवेदी। सर, अमित का दूसरा नंबर अभी भिवानी में हुआ था। अमित कालरा का दूसरा नंबर ट्रेस करते हुए नोएडा पुलिस अब भिवानी आ पहुंची थी, लेकिन भिवानी में किडनैपर्स कहां थे इसका कोई भी क्लू अभी तक नहीं मिल पाया था। अरे, एक बार बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान पहुंच गए ना, सब ठीक हो जाएगा। शर्मा, अमित का फोन इसी एरिया में एक्टिव था ना? जी सर। तो लोकल पुलिस को यहाँ। शर्मा, एक मिनट, ये गाड़ी वही है ना, 154 जे? ये सर वही ड्राइवर वही है।
भाई पुलिस अपना पीछा क्यों कर रही है? ये बात कर रहा है, देख वहां आ रही पेट्रोलिंग पे होगी यार। अरे नहीं भाई कर लू, देख यार तू देख। ओ भाई ससुरे पीछे पड़े हुए हैं भाई। हाँ भाई तेज चलाना भाई गड्डी ने। सुंदर चारों तरफ से गिर गए हो, बाहर आ जाओ हाथ ऊपर करके। फटाफट उसके पीछे लो, अरे क्या हो गया गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे के हो गया, अरे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने कहा चल भी, अरे डॉक्टर ने गाड़ी में खाई ना भाग गया, अरे डॉक्टर ने निकाल गाड़ी ना बाहर, अरे पकड़ चल जल्दी कर, चल रुक रुक रुक, पीछे ले पीछे ले पीछे ले जल्दी अंदर ले। आसपास अच्छी तरह से देखो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो लोग। कई कोशिशों के बावजूद किडनैपर्स पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन मौके वारदात पर वो हेलो कैब बरामद कर ली गई जिसमें डॉक्टर श्रीधर की किडनैपिंग की गई थी। पुलिस किडनैपर की तलाश में लगातार अपना प्रयास कर रही थी, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि कहीं किडनैपर डॉक्टर श्रीधर को मार ना दे। सुरेश और अमित के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे, लेकिन फिलहाल किडनैपर कहां छुपा है इसकी कोई भी लीड पुलिस को अब तक नहीं मिल पाई थी। सुरेश भाई ये पुलिस कहां से आ गई? अरे भास्कर ने खबर की होगी, मैंने तो पहले ही पता था पैसे ना देगा। पैसे की चिंता ना करो, पैसा तो उसकी कब्र से भी निकाल लूंगा मैं। अरे ये मत कर, पुलिस सुनती हुई यहाँ आ जाएगी। इसको तो पैसे भी ना मिले और पुलिस भी पीछे पड़ गई मारे। साले किसने कही थी फायर करने की? राणा चौधरी पक रहा था, चुपचाप डॉक्टर ने लेके निकल लेते। साले शुक्र मना किसे पुलिस वाले गोली ना लग गई, न तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। अब भाई आपस में झगड़ा मत करो, अब भी हम यहाँ किसी दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं, गाड़ी का भी इंतजाम हो जाएगा, पर हम सबको अपनी अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ेगी और इस डॉक्टर की भी। सर अमित और सुरेश के कॉल रिकॉर्ड से चार नंबर ऐसे मिले जो किडनैपिंग वाली रात से बंद है। ये नंबर है किसके? एक नंबर बुद्धन के नाम झज्जर में रजिस्टर्ड है, जहां से डॉक्टर श्रीधर के नंबर से तीसरा रैंसम कॉल गया था। अपना कस्टमर सही सलामत चाहिए ना, तो 5 करोड़ का इंतजाम कर ले। सर हमने वहां हरियाणा पुलिस की एक टीम भेज दी है। कोई दूसरा नंबर विक्रम राठी के नाम रेवाड़ी में रजिस्टर्ड है, जहां से डॉक्टर श्रीधर के नंबर से चौथा रैंसम कॉल गया था। हाँ राम राम, और 2,000 के बंडल तैयार हो गए। सर तीसरा नंबर जयंत के नाम भिवानी के मीरपुर में रजिस्टर्ड है, जहाँ वो लोग हेलो कैब छोड़ के भागे थे वहीं पास ही में उसका खेत है। अबे उठ, अबे डॉक्टर। सर चौथा नंबर अमित और सुरेश के गांव हिसार का है, और जिसके नाम ये नंबर है उसका नाम केदार है।
सुरेश कालरा और अमित कालरा के बाद पुलिस ने उन सभी किडनैपर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जिन्होंने डॉक्टर श्रीधर की किडनैपिंग को अंजाम दिया था, लेकिन वो किडनैपर्स इस वक्त कहां हैं ये पता लगाना अभी बाकी था। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? कुलदीप तो है नहीं घर पे, किससे मिलना है तुमको? अरे भाई, कुलदीप भाई ने चाबी दी है। भाई हम लोग तो कवड़िया लोग हैं, थोड़ा आराम करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सर वो चारों बुद्धन, विक्रांत, जयंत और केदार अमित और सुरेश के वैशाली वाले घर आते थे, लेकिन फिलहाल वो लोग कहाँ हैं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। इन चारों के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक करो, पता करो इन सब के नंबर में क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो हमें उन तक पहुंचा सके। सर, किडनैपर्स तक पहुंचने के लिए पुलिस को जल्द ही एक अहम लीड मिली। मनीष चल, तुझे लेना है। अरे सर, लेकिन मैंने किया क्या? सर सर सर, अमित और सुरेश ही नहीं, उनके चारों दोस्त बुद्धन, विक्रांत, जयंत, केदार सबको जानता है। बता। सर मैं मानता हूं कि मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहां है। देख, ज्यादा टाइम मत ले, सीधी तरह से बोल दे, 12 अगस्त की रात 10 बजे तक सुरेश, अमित, विक्रांत इन तीनों का फोन तेरे घर पे एक्टिव था, तेरे से मिलने आए थे ना वो? हाँ सर, अमित उस रात मेरी कार लेने आया था, बोला 2-4 घंटे में लौटा दूंगा। फिर रात को 1 बजे जयंत और केदार कार देकर वापस चले गए। लेकिन साहब मुझे नहीं पता था उन लोगों ने किडनैपिंग की है। कैसे मान ले तुझे नहीं पता? साहब मेरा विश्वास करो साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये तो पता होगा वो लोग कहाँ छुपे हो सकते हैं। बस भाई, गांव में पुलिस आई है भाई। ये बात कर रहा, पुलिस 3:30 पहुंच गई। पुलिस आ गई, मेरी बंदूक, मेरी बंदूक। राजन तू आगे देख, इस समय देखता हूं। ले ले। बता कहां है वो लोग? सर बाहर 2 लोग पकड़े गए, लेकिन अमित, सुरेश एक और आदमी है, डॉक्टर नहीं है। सर सर अंदर भी कोई नहीं है। बता कहां है अमित? ओ भाई, पुलिस तो कुत्ते की तरह अपने पीछे पड़ गई, अब क्या करेंगे? वो देख सामने भी खड़ी है। बम बम बोल बम 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 बोल। साला इतना डर था पुलिस पे गोली क्यों चलाई थी? चुपचाप खड़ा बोल बम 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 बोल बम। आगे बोल बम की टोली जा रही है, उन लोगों ने भी कवड़िया के कपड़े पहने हैं ना? यस सर। देखो जरा ध्यान से। बम बम बोल बम 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 बम बोल बम 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 बम बम। एक मिनट रोको, जरा रोको। बम बम आते
डॉक्टर को डॉक्टर श्रीधर आर यू फाइन थैंक यू सर यू हेल्प मी 14 दिन की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार नोएडा पुलिस डॉक्टर श्रीधर को सही सलामत बचाने में सफल हो गई। किडनैपिंग में इन्वॉल्व सभी 6 अपराधी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। नोएडा पुलिस के सराहनीय जज्बे के लिए क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम उन्हें सैल्यूट करती है और उन्हें इस सफलता के लिए बधाई देती है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अभियुक्त श्रीकांत चौबे उम्र 16 साल पुत्र नीलेश चौबे, अभियुक्त मुक्ति देशमुख उम्र 16 साल पुत्र शशिकांत देशमुख को आईपीसी की धारा 393 और 307 के तहत दोषी पाती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके साथ अभियुक्त प्रबल बोर्डे उम्र 16 साल पुत्र वामन बोर्डे, अभियुक्त रघु आप्टे उम्र 16 साल पुत्र विश्वास आप्टे को हत्या की साजिश चोरी और सबूतों का नष्ट करने का दोषी पाती है और आईपीसी की धारा 302, 120B और 393 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। हैंग टिल डेथ। थैंक यू जज साहब, हमें पता था यही होगा। अंधा कानून मुर्दाबाद, अपनी दोस्ती जिंदाबाद। 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 अंधा कानून मुर्दाबाद। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। किसी भी देश के बच्चे युवा उसका भविष्य होते हैं, उनके कंधों पर देश की प्रगति का भार होता है। लेकिन कई बार कुछ युवा पथभ्रष्ट होकर ऐसे अपराधों को अंजाम दे देते हैं कि समाज और कानून दोनों हैरान हो जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में युवाओं द्वारा किए गए अपराधों की संख्या बढ़ी है और साथ ही यह विवाद भी बना हुआ है कि जुवेनाइल की उम्र क्या होनी चाहिए, 16 साल, 17 साल, 18 साल या फिर कुछ और। हिंदुस्तान की क्राइम हिस्ट्री का यह एकमात्र ऐसा केस है जिसमें 16-17 साल के 4 लड़कों को फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सन 2000 से पहले तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के तहत सिर्फ 16 साल की उम्र तक के लड़कों और 18 साल की उम्र तक की लड़कियों को ही जुवेनाइल माना जाता था। 1994 में जब इन लड़कों को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया तब इन लड़कों की उम्र 16 साल से कुछ अधिक होने की वजह से इन्हें अडल्ट माना गया और जिसकी वजह से इस केस की पूरी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में ना होकर सेशन कोर्ट में हुई। और अजीब बात यह थी कि सजा सुनने के बाद ये बच्चे रोने और डरने की बजाय खुश हो रहे थे। आखिर कहां खो गई थी इनकी मासूमियत और कहां खो गया था इनका बचपन जो इन्हें मौत के डर से भी आजाद कर गया था। कहीं पुलिस और न्याय प्रक्रिया में कोई चूक तो नहीं हुई थी जिसका ये बच्चे अपने ही तरीके से विरोध कर रहे थे? और अगर ये वाकई में अपराधी थे तो वो कौन सी दुखती रख थी समाज की जिसने इन्हें यहां लाकर खड़ा कर दिया था? हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन। क्या ठीक है? किसी को घर के अंदर मत जाने दीजिएगा, हम लोग अभी आ रहे हैं। सर मैंने कॉल किया था आपको, फ्लैट नंबर 101 फर्स्ट फ्लोर।
सर ये जिंदा है। खोलो उसे फटाफट, हॉस्पिटल लेके जाओ। खून पूरी तरह से सूख चुका है, मतलब इस वारदात को कम से कम 7-8 घंटे पहले अंजाम दिया गया होगा। सर इन दोनों के पेट पे काफी डीप कट का निशान है, बॉडी पे स्ट्रगल के निशान भी है। सर जिसने भी ये काम किया काफी बेरहमी से मारा है। इनके गले पे भी निशान है, मतलब पहले इनको स्ट्रैंगुलेट करके मारने की कोशिश हुई होगी, जब बात नहीं बनी तो हथियार से स्टैब करके मार दिया। ये देखो इस औरत के गले पे स्ट्रैंगुलेट करने के निशान है और बॉडी पे कहीं कोई घाव नहीं है। हाँ सर, सर हाथ गला और कान, इसके अलावा कहीं भी कोई निशान नहीं है। सर हो सकता है कि गले और कान की ज्वेलरी को खींच कर निकाला गया। सर ये सब देखकर तो लगता है कि मर्डर लूटपाट के इरादे से किया गया। कदम इरादा चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि इस तरह से 4 लोगों को काबू करके बांधना किसी एक के बस का नहीं। कम से कम 3-4 लोग या उससे ज्यादा लोग इस वारदात में शामिल हैं। वो कौन थे और कितने थे ये तो हमें ये लड़का ही बता सकता है जिसे मरा हुआ मानकर वो लोग जिंदा छोड़ गए। सुनावड़े सर, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर अजीब बात है, बॉडी पे एक भी ज्वेलरी नहीं है और यहाँ इस तरह पैसे छोड़ के गए। इस तरह की वारदात को अंजाम दे के इनके घर में इन्हीं की मिठाई खा के इस तरह से सेलिब्रेट करना और फिर इस तरह से पैसे छोड़ के जाना, कदम मुझे लगता है ये जो कोई भी हैं इनसे काफी नफरत करते थे। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान भी नहीं है, मुझे लगता है ये मामला लूटपाट का नहीं बल्कि बदले की भावना से किया गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया गया। सारी चीजों के फोटोग्राफ्स ले लो। ओके सर। नॉर्मल है यार सब कुछ। किलर से इस घर को और इस घर के रहने वालों को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि पैसा और ज्वेलरी इसी कमरे में मिलेगा और शायद इसीलिए उन्होंने दूसरे किसी कमरे को छेड़ा तक नहीं। अच्छी तरह से देखो मर्डर वेपन मिलता है क्या। ओके सर। इस घर में वारदात हुई सबसे पहले आपने देखा था? साहब हमने देखा था साहब। हम रोज की तरह दूध देने ऊपर गए तो हमने मैम साहब को आवाजें दी, मैम साहब ने साहब कोई जवाब नहीं दिया तो हमने सोचा घंटी बजा देते हैं। तो हम दरवाजे पे गए तो दरवाजा खुला हुआ था हुजूर। हमने अंदर धकेल कर दरवाजा देखा तो अरे मैम साहब दूध नहीं लेना है काज। साहब उसके बाद हम बहुत डर गए थे, फिर हम दौड़कर रत्नाकर साहब के पास पहुंचे। सर मैं उनके ऊपर वाले फ्लैट में ही रहता हूँ। सर आपके नीचे वाले घर में 3 लोगों को इतना टॉर्चर किया गया, उनका मर्डर हो गया, आपने कोई आवाज़ कोई शोर सुना? नहीं सर कोई शोर सुनाई नहीं दिया, कुछ पता ही नहीं चला। इतना बड़ा कांड इतना चुप से कैसा हो गया ये तो प्रबल ही बता सकता। भगवान का शुक्र है कि प्रबल बच गया। सर पूरे घर को अच्छे से छान मारा लेकिन कहीं कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। अगर इस क्राइम से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है या कुछ याद आता है सबसे पहले हमें बताएं। जी सर। देख बेटा तेरी हालत हम समझ सकते हैं लेकिन अपने घर वालों को न्याय दिलाना चाहता है कि नहीं? चल फिर बता ये कब हुआ और कैसे हुआ। सर कल रात को मैं अपना रूम बंद करके पढ़ाई कर रहा था। कितने बजे? 8 बजे के आसपास। सर ये साल 10th का बोर्ड है मेरा तो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था मैं, तभी पहले डोरबेल बजे फिर आई के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने हॉल में आकर देखा
उन लोगों ने आई की गर्दन पर हथियार रखे हुए थे। उनके पास कई हथियार थे, जैसे तलवार, चाकू सब। और दूसरे आदमी ने आई का मुंह बंद कर रखा था। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। फिर क्या हुआ? मुझे देखते ही एक आदमी मेरे पास आया और उसने मेरा मुंह दबा दिया। मैंने उसके हाथ पे जोर से काटा और उसने मुझे बहुत तेज मारा और मैं गिर गया सर। और उसने मुझे शर्ट से उठाया और तलवार दिखाते हुए बोला, आवाज की तो काटूंगा। उसके बाद आई से पूछा कि कैश और ज्वेलरी कहाँ है। आई ने बेडरूम में बताया और उन्होंने आई से चाबियाँ मांगी। आई ने चाबियाँ दी और उन लोगों ने आई को और मेरे को बांध दिया और बेडरूम में चोरी करने के लिए चले गए। और फिर डोरबेल बजी। डोरबेल बजने की आवाज़ कितने बजे हुई है? कोई 1.5 घंटे बाद, मतलब 9:30 बजे के आसपास। उसके बाद क्या हुआ? सुदीप बाबू आए और उन्होंने उन्हें भी मारा और हमारे साथ बांध दिया। फिर उनमें से एक आदमी बोला कि भूख लगी है। फिर वो लोग किचन की तरफ चले गए। फिर डोर बेल बजी तो वो लोग हॉल में आए और बाबा अंदर आए तो एक आदमी ने उनके पीछे तलवार रखी, फिर उन्हें भी हमारे साथ बांध दिया, फिर सबको मार डाला। तो तुम कैसे बच गए? वो लोग मुझे भी मार नहीं जा रहे थे, तभी नीचे से 3-4 गाड़ियों की आवाज आई और वो लोग फिर भागने लगे। और एक आदमी ने भागते भागते मेरे सर पर बहुत तेज से डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। तुमने उन 3 लोगों की शक्लें देखी थी ना? पहचानते हो कौन थे वो लोग? पहले कभी देखा था उनको? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा। शक्लें तो याद होंगी ना? कमले सर, स्केच आर्टिस्ट को बुलवा के इससे डिस्क्रिप्शन लगे स्केच बनाओ। सर स्केच तो मैं भी बना सकता हूँ। अजीब बात है, कातिलों ने घर के 3 लोगों को मार दिया और इसे जिंदा छोड़ दिया, वो भी तब जब वो जानते थे कि इसने 3 की शक्लें देखी हैं। और इतने शातिर लोग बस इस बात से डर के भाग गए कि उन्हें रोड पर कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। सर अगर वो वाकई गाड़ियों की आवाज़ सुनकर भागे होंगे तो सर गाड़ियों की आवाज़ तो उससे पहले ज़्यादा आ रही होगी। अगर उनका मकसद सिर्फ लूटपाट करना था तो प्रबल और उसकी माँ को मारकर वो लोग 9:30 तक भाग सकते थे, कि वो जानते थे कि घर में कहाँ क्या रखा है। अगर लूटपाट के साथ साथ मर्डर भी उनका मकसद था तो तब भी उनके पास काफ़ी टाइम था। प्रबल के बाप के 12 बजे आने के बाद उसे मारकर 12:30 तक वो लोग भाग सकते थे। फिर ऐसी सूरत में 2:30 बजे तक वहीं रुके रहने का क्या मतलब हो सकता है? सर मुझे लगता है कि प्रबल हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। कदम, जरा आस पड़ोस में पता करो ये प्रबल लड़का कैसा है और इस रस्सी के बारे में पता करो, कहाँ से और किसने खरीदी। रस्सी नई सी लग रही है, हो सकता है कि इन्हीं दिनों में खरीदी गई हो। ओके सर। ड्राइंग और याददाश्त दोनों काफी अच्छी हैं तुम्हारी, काफी डिटेल में 3 के चेहरे बनाए तुमने। ठीक है, फिलहाल घर जा सकते हो। जी सर। कदम सर, जरा पता लगाओ ये 3 लोग हैं कौन और इस प्रबल पे भी नजर रखो। ओके सर। गुस्सा हो जाएंगे। इन दोनों को तो नहीं जानता पर इसकी शक्ल से मिलता जुलता
एक भिखारी उधर उस रोड पे भीख मांगता रहता है, हाथ से अपंग है, दिन रात उधर ही पड़ा रहता है। भाई जब रमेश इंडस्ट्रियों को जानते हैं? हाँ सर, ये मेरी दुकान की रस्सी है। अच्छा, इन तीनों को जानते हैं? इन तीनों में से किसी ने खरीदी थी रस्सी? नहीं सर, मैं इनको नहीं पहचानता और इनमें से किसी ने रस्सी नहीं खरीदी। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, ये 3-4 दिन पुरानी बात है। आखिर इतनी सारी रस्सियाँ कौन खरीद सकता है आपके यहाँ से? हाँ सर, 2-4 दिन पहले एक लड़का आया था, उसी ने रस्सियाँ खरीदी थी, बोला था स्कूल वालों ने मंगाया है। पता नहीं सर स्कूल वाले भी क्या करते हैं। क्या यही था वो? नहीं सर, ये नहीं था। सर 2:30 बजे तो इंसान सो ही जाता है ना। हाँ, कोई शोरगुल हो जाए तो आँख खुल जाती है, मगर मैंने कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी सर। प्रबल कैसा लड़का है? बहुत अच्छा सर, एकदम सीधा साधा। आज की जनरेशन में ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। गली में भी उसके एक दो ही दोस्त है सर, रघु, मुक्ति, श्रीकांत वगैरह, वो भी उसके स्कूल में ही पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ घूमता है, नहीं तो पढ़ते रहता है। सर उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। प्रबल की फैमिली का माहौल कैसा था? मतलब किसी के आपस में या किसी बाहर वाले से कोई दुश्मनी वगैरह? सर वो प्रबल वामन की दूसरी बीवी का बेटा है। बीवी क्या बोलेंगे, उसने कभी वामन से शादी तो की नहीं। पहले वामन इधर ही रहता था वैजंती भाभी और सुदीप के साथ, फिर इन लोग को छोड़ के वो औरत के पास चला गया था दादर, वहाँ वो प्रबल हुआ। प्रबल जब 8 साल का था सर, तब वो औरत को छोड़ के और प्रबल को लेके वापस से वैजंती भाभी के पास आया। आपको ये सब कैसे पता? सर वामन ने बताया। तो वामन ने कभी ये बताया कि प्रबल की माँ दादर में कहाँ रहती है? नहीं सर, वो तो वामन को भी नहीं पता था। सर एक बार उसने मुझे बताया था कि वो औरत कैरेक्टर की सही नहीं थी, तो अभी तो शायद उसने भी किसी से शादी करके घर बसा लिया होगा। पर सर एक बात है, वामन और वैजंती भाभी प्रबल को प्यार बहुत करते थे, दोनों उसकी चिंता बहुत करते थे। सर प्रबल के एरिया में वारदात के ठीक एक दिन पहले किसी लड़के ने उस रस्सी को खरीदा। सर मुझे लग रहा है कि ये प्रबल हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और सर उसने जो ये स्केच बनवाए सब के सब झूठे हैं, क्योंकि सर इनमें से ये एक स्केच उसके एरिया के आसपास एक भिखारी से मैच करता है। और बाकी के 2 स्केच हैं इनका हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। मैंने पड़ोसी आसपास के लोगों इन सभी से पूछताछ की, लेकिन किसी ने इन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया। इसका मतलब है कि प्रबल ने ये चेहरे अपनी इमेजिनेशन से रैंडमली बनाए। वैसे ये भी पता चला है कि प्रबल वैजंती का सौतेला बेटा है। वामन ने प्रबल की माँ से कभी शादी की ही नहीं, वो उसकी नाजायज औलाद है। सर सर ये सुदीप, वैजंती और वामन, इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के हिसाब से तीनों की मौत रात को 11 से 1 के बीच हुई है। सुदीप और वैमन का गला घोटने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मौत 3 अलग अलग किस्म के धारदार हथियार से हुई है, जो कि चाकू, तलवार और कोयता हो सकता है। तीनों के साथ हाथापाई हुई है और वैजयंती की मौत सिर्फ गला घोटने की वजह से हुई है। सर प्रबल बोर्डे की कॉलोनी के पास एक प्लॉट में इसमें हथियार मिले। काफ़ी दिमाग लगाया है, हथियारों को सरसों के तेल से साफ किया है ताकि उस पर खून का कोई निशान न रहे। ये हथियार फॉरेंसिक के लिए भेज दो, और ज़रा पता करो कि अगर ये हथियार, ग्लव्स, रस्सी वगैरह प्रबल ने नहीं खरीदे तो इसमें कहीं कोई उसका दोस्त तो शामिल नहीं है, क्योंकि दुकान वाले का कहना था 2-4 दिन पहले एक लड़का आया था। ठीक है सर।
क्या हुआ साहब? वही तो पता लगा रहे हैं। प्रबल तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ सर। 22 सितंबर को रात को 8 बजे से लेकर देर रात 3 बजे तक कहाँ थे तुम? सर उस दिन तो ये रघु और श्रीकांत के साथ वीरेन के घर पढ़ाई करने गया था। वो क्या इस साल बोर्ड के एग्जाम चल रहे ना, तो बच्चे लोग सब वीरेन के घर चला। साहब आप बेकार में शक कर रहे हो, वो लोग हमेशा वीरेन के वहाँ पढ़ने जाते थे और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो लोग उस दिन भी वहीं पढ़ने गए थे। साहब मेरा बच्चा आवारा नहीं है साहब, वो लोग दोस्त लोग हैं, ऐसा क्यों करेंगे साहब? साहब वो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं साहब। भाई साहब। जी सर। इनमें से किसने खरीदी थी आपके यहाँ से रस्सी? किसने खरीदी थी सर? सर उस रस्सी खरीदने वाले लड़के की पहचान हो गई है सर, प्रबल के दोस्त रघु आप्टे ने वो रस्सी खरीदी थी। गुड कदम, जल्द से जल्द पता लगाओ वो हथियार कहां से खरीदे गए थे। क्या इनमें से किसी ने आपके यहां से हथियार खरीदे थे? जी इन दोनों ने, एक तलवार और एक गुप्ती खरीदी थी, पर हम इसे हथियार के तौर पर नहीं बेचते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। नवीन एक तलवार देना। ये तलवार दोनों तरफ से एक जैसी मोटी है। हाँ लेकिन उनके पास जो हथियार था वो काफी धारदार था। पता नहीं सर, पर मुझसे तो यह कहकर खरीदी थी कि हमें ड्रामे में यूज करना। कब की बात है, कौन सी तारीख को खरीदा था? सर एक मिनट। भाई साहब। हाँ सर। इन्हें पहचानते हैं? इनमें से किसी दो ने आपके यहाँ पे तलवार और गुप्ती में धार लगवाई थी। साहब वो दो नहीं, तीन थे। इसको धार करके दो। इस पे धार क्यों लगानी? तेरे को काटने के लिए। अरे मजाक कर रहे हैं दादा, ड्रामे में तलवार लगेगी ना, और पेड़ काटने का सीन है, इससे पेड़ कटेगा नहीं, तो इसीलिए धार चाहिए। ये वाला, ये यही तीनों थे साहब। निकालो बाहर इसे। चलो श्रीकांत कहाँ है? क्या हुआ है साहब? अरे बताइए तो, हुआ क्या? क्या कुछ हुआ है साहब? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। ये तीनों सुदीप, वैजयंती और वमन, इनके मर्डर में इन्वॉल्व है। हम इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाने हैं। फट्टू मुझे पता है तू गद्दार निकलेगा। चंदे सर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत सजाए मौत का हुक्म देती है, हैंग टिल डेथ। थैंक यू जज साहब, हमें पता था यही होगा। अंधा कानून मुर्दाबाद, अपनी दोस्ती जिंदाबाद। 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 अपराध को कितने भी शातिर दिमाग से अंजाम दिया जाए, लेकिन गुनाह अपनी गवाही देने के लिए खुद उठ खड़ा होता है। फिर ये तो 16 साल के नाबालिग बच्चे थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था कि जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। लेकिन अपने किए पर इन्हें कोई अफसोस नहीं था। कैसे और क्यों इनकी मासूमियत इतनी विभत्स हो गई थी? ये केस पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला था, क्योंकि ये कोई सामान्य हत्या या लूटपाट का केस नहीं था। आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी था, और ये हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.